लो जी किसान सज्जनों, काफी टाइम से हम वीडियोज आप भाइयों को पशुपालन की इस फील्ड में जुड़ी हुई जो जानकारी देते रहते थे, और आप भाई जो पशुपालन से जुड़ी हुई वीडियोज हमारे इस यादव डेयरी फार्म के परिवार को जो प्रेम आप पशुपालक भाइयों ने दिया, उसमें आप सभी के बड़े बड़े आभारी हैं, दिलो धन्यवाद करते हैं भाइयों का। क्योंकि देखिए, एक आम परिवार से उठ के जो ये मेहनत की, इसको आप भाइयों ने पसंद किया, और हर रोज जो है पशुपालन की जुड़ी हुई ये वीडियोस दिखा के आप पशुपालकों को हम अपने साथ जोड़ के रखते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अलग से हटके होने वाला है। इसी पशुपालन की फील्ड में एक आम परिवार का, एक आम से भी मैं कहूँगा बिल्कुल नॉर्मल ग्राउंड लेवल से उठे हुए पशुपालक के यहाँ से वीडियो होगी। और आज मैं कहूंगा मुर्रा पे काम करने वाले जितने भी किसान साथी हैं या नए चेहरे उठते हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल हम कहेंगे, मिल्किंग किंग हम इनको कहेंगे। ये चीज़ें भाई ने अपनी मेहनत से कमाई हैं, और आज जो आप इस वीडियो में सामने बड़ी सी हवेली और जो एक बहुत बड़ा कैमरे की जहां तक नज़र जा रही है शेड आप देख पा रहे हैं, पीछे तक बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा भाई की मेहनत का, जो खून पसीने की मेहनत है वो आपको खड़ी दिखाई दे रही है। तो आज फिर से पहुंच चुके हैं हम अपने बहुत ही प्रिय मित्र के पास, मिलवाएंगे और हर भाई को जानकारी जो है इनकी स्टार्टिंग से अब तक की जो लाइफ रही है इस फील्ड की, वो आप भाइयों को मिलवा के जानकारी देंगे। उससे पहले जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को लाइक करें। तो आज पहुंच चुके हैं जी सुखबीर डांडा जी के पास, एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, बहुत मैं कहूंगा पशुपालक है। इनसे, इन्हीं की वीडियोस देख देख के हमने भी बहुत कुछ सीखा है। तो आज एक व्लॉग ही मानिए, डांडा डेयरी फार्म के नाम पे सामने हैं सुखबीर डांडा भाई। नमस्कार जी भाई साहब। राम राम, सत श्री अकाल भाई। ये सारे भाई का बहुत अच्छा डायलॉग मानिए, चलो स्टार्टिंग जब भी होती है वीडियो की तो पशुपालक ये पहले बोल देते हैं कि डांडा साहब का स्पेशल मानिए स्टार्टिंग का, ये राम राम सत श्री बहुत अकाल भाइयों का प्यार है भाई, जी। बड़ा आनंद आ रहा है, मानो खुशी है। एक सोशल मीडिया से जुड़ के भी और भाई जितने भाइयों के फोन आवे उससे भी बहुत ज्यादा खुशी है। सुखबीर भाई, हाँ जी आज वीडियो हर रोज वैसे दिखाई, हाँ जी दूध तुलवाया, हाँ पैसा भी बहुत कमाया, हाँ टॉफिया भी बेची, बेचे भाई। कहाँ किस सतर से कहाँ पहुंचे। आज नहीं थोड़ी छोटी सी कम लफ्जों में अपनी जो लाइफ की है छोटी सी कहानी है इसको बयां कर दीजिए, क्योंकि पशुपालन की इस फील्ड को लोग ईर्ष्या की नज़र से देखते हैं कि गोबर डालना पड़ता है, कोई देख अच्छा भाई, काम नहीं ईर्ष्या है। का काम नहीं है, यो है हौसले का काम जी और जी मेहनत का काम। जी जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। देखो जी जी और अपने को तो बहुत ज्यादा मिले है। जी अरे रही छोटे लफ्जा में भाई, स्टोरी तो बहुत बड़ी है जिंदगी की, फिर छोटे थो, लफ्जा में कुकर बताया है। थोड़ी थोड़ी मेन देखो मेन शुरुआत पॉइंट में बहुत मेहनत की है मंजीत भाई, ज्यादा की है। जी आज तो उस टाइम के मुकाबले हो चलो 0% है, जी उस जी टाइम पे बहुत मेहनत करी है। मानो सुखबीर एक ऐसा ही देखा होगा सब भाइयों ने, ये नहीं पता भाई बैलों के साथ बहुत टाइम खेती भी करी है, दुकान भी करी है, मानो पढ़ाई भी बीच में छोड़ के भाई पारिवारिक मेंबरों का भी बहुत बड़ा घाटा होया है। जी उन चीजों को भी भाई एक अपना हथियार बना के लगा लो भाई, भाई अपने परिवार को भी एकजुट करके आगे बढ़ने की कोशिश की है मैंने। जी जी हाँ तो देखिए आज इनकी जो सामने आप ये बहुत बड़ी हवेली देख पा रहे हैं, इधर पूरा मकान है वो एक जबरदस्त तरीके से भाई ने बनाया है, और एक आम मैं कहूँगा दुकान की थी गांव में छोटी सी सुखबीर भाई सबसे पहले। भाई, दुकान भी करी थी साथ की साथ। देखो पशुधन तो मंजीत भाई घर पे बहुत अच्छे रखा करते, मारे मेरे पिताजी ने भी शौक था भाई, मेरी माँ ने तो बहुत ही मेहनत की है, मनो बहुत ज्यादा। अब देखा है नहीं लोग भाई मेहनत करे है सुखबीर की माँ, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा की है भाई। मेरे लेकिन हिसाब इसे से दुकान मेरे तक पहुंचाने में भाई सारे परिवार का बहुत बड़ा हाथ मेरे से जब मुलाकात हुई, जब सुखबीर डांडा एक नॉर्मल सी है। झोपड़ी सी टाइप का कच्चा सा मकान था जिसमें भाई के पशु मंजीत भाई रहते वो सारी चीज को एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो अपने थे। वो भी एक्सपेक्ट की थी और आज ये टाइम है इसको भी कर रहे हैं। जी अपने जी को इस चीज का कोई ना तो घमंड होया करते ना परमात्मा करवा हुआ है, अपन उस टाइम पे भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है। जी 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 तो कैसे स्टार्टिंग कौन सी बैच से हुई थी अपनी।
मंजीत भाई, भैंस तो ऐसे शो में जैसे सेल परचेज की तो मैं पापड़ी भैंस से तैयार करया करता पहले जी जी, भाई ड्राई भैंस 5-6 महीने गया, अपन 7 महीने गया, अपन ले आए वो दूध दें दी, थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाया करता, और वो साथ के साथ फिर भाई दूने तीने दाम करके बेच भी दिया करते जी। उस टाइम पे भाव क्या था भाई, 10,000 की ले ली, 11 की ले ली, वो 35 की, 32 की, 30 की बिक जाया करती। लेकिन जो शो वाली लाइन पकड़ाई थी वो थी साहीवाल गाय की पहले। अच्छा, एक साहीवाल गाय मैंने उस दिनों में भी 33,000 रुपए की, बहुत महंगी थी मानो, आज से अगर 13-14 साल पहले की बात करा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शौक एक ऐसा था कि भाई मेले में जाना है, वहां पे जाके देखा भाई भैंसों में वो गाय फर्स्ट आ गई थी शुरुआत में, अगर वो फर्स्ट नहीं आती वो निकल जाती तो हौसला टूट जाता। तो उसके बाद भैंसों में फिर ये गंगा ने भाई जी जी बहुत हो कराया। सबसे फेवरेट आप मानते हो अब तक की अपनी लाइफ में? वैसे इसी की देन है भाई, गंगा ने उस टाइम के ये देखो 51,000 रुपए, 1,00,000 रुपए इनाम के, ये इसके काफ बिकना, वो चीजें उन पैसों से देखो मैंने सरस्वती जैसी, जूनियर गंगा, जमुना या और भी भैंसे, खलीफा जैसी भैंसे, सरकंदरी में वो इनकी ही पेमेंट थी जी जी। मतलब पैसे का भाई जुगाड़ उस टाइम पे नहीं था क्लियर शब्दों में कॉमन जी भाई, भाई वो पैसा यहाँ पे आके काम आया जी। तो कितनी बार बच्चा दे चुकी? बच्चा इसमें 10वें ब्यांत देना था, आज से 3 साल पहले इसको प्रॉब्लम होगी भाई। अच्छा अच्छा, तो वो प्रॉब्लम होगी, अब ये 4 महीने की ज्ञापन ठहरी है, बच्चे इसके मैंने सारे बच्चे सेल करे, और भाई बच्चा अब भी इसका पेट में है, तो मैंने भाई एडवांस बहुत है फोन आओ, लेकिन एक इच्छा ही बढ़ रही है रख लेंगे, लेकिन रहता नहीं भाई किसी बताऊँ जी जी। ये बात तो अभी कौन से बुल से प्रेग्नेंट? अभी अनमोल रतन से भाई, अनमोल से, अनमोल रतन राजेंद्र भाई, जो राजेंद्र भाई का पद्मावती का है भाई अनमोल रतन, उससे प्रेग्नेंट है। लग नहीं रहा सुखबीर भाई बॉडी से, बहस की इतनी बार बच्चा दे चुके हैं, बिल्कुल मेंटेन। 2011 में अपने पास आई थी अमजीत भाई, 12 साल तो अपने ही आए थे हो गए, और दूसरे ब्यांत ये बच्चा दे दिया था अपने आते की, तो 6 साल तो दूसरे ब्यांत में लगी, 5-6 साल तो 17-18 साल की उम्र में बताई जी जी। तो सरस्वती बहस अपने पास कौन से ब्यांत में आई थी? वो दूसरे ब्यांत में आने वाली थी भाई जी जी, दूसरे ब्यांत में आने वाली थी, और ये फोटो आपने यही लगाया ये यही है यही हाँ, तो ये दूसरे ब्यांत में आई थी अपने पास में देखिए। अभी मेरे हिसाब से करमाली भैंस थी, मानो ये चीज ने सोचा नहीं भैंस ने, राह इसने पकड़ाया भाई, पेमेंट बहुत ज्यादा दे दी जी जी हाँ। भैंस आज भी आपके यहाँ जब आए, जिस टाइम पे आपने सरस्वती को सेल किया, जो आज आप फोटो दिखा रहे हो, मेरे हिसाब से आज भी मेरे बेडरूम में ऐसे कैसे है, उसके बाद अभी नहीं करमाली की भैंस भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल भैंस में बहुत गुण है, बिल्कुल बिल्कुल भैंस में कोई कमी नहीं है भाई जी जी, अच्छा पशुधन है अपने को, बहुत चीजें देके गया वो, ये सारी चीजें शुरुआत इस भैंस की है, तो लाइन उसने लगा दी। वैसे एक चीज तो है, आज चलो किसी भाई को ये ना लगे कि स्पेशली कहा जा रहा है, सरस्वती वो भैंस है जिसने मान के चलो लोगों को दूध तोलना सिखाया था भाई जी, भैंस बहुत अच्छी थी हाँ। चलो दूध अब भी तुल रहे, बहुत अच्छी बात है, सारे भाई बधाई के पात्र है भाई, तो एक मानो खुद के नाम की बजाय गांव शहर के नाम को छोड़ के एक देश के लिए बात हो रही है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, और भाई देश का जब नाम ऊंचा हुआ है तो भाई सबने खुशी भी होनी चाहिए, और भाई अपने भी खुशी, बिल्कुल। उस टाइम से पहले तो सुखबीर भाई जो बड़े पुराने पुराने काम करने वाले पशुपालक हैं, वो भी 20-20, 22-22, 25 पे ब्रेक हो जाते थे भाई, वो जा कर दे, आपा भी अपने मन में सोचा कर दे, मैं जब छोटे लेवल पे चलो व्यापार तो अभी अपना छोटे पे कोई ज्यादा नहीं कहना मैं, लेकिन ये सोचती भाई किसी भाई के मेरे को पता लग गया भाई इतने दूध वाली भैंस थी, मैंने ये भी सोचा था कि भाई ये ऐसा ऐसा पशुधन हमारे घर पे भी हो, तो भाई चलो परमात्मा ने दिया और भाई आप भाइयों ने साथ दिया, तो भाई बहुत अच्छा रहा। तो सफर कहाँ एक आम मान के चलिए दुकान चलाने वाले से, और आज मुसे वाला की तरह पिंड के अंदर जब एंट्री होती है तो वो गाना नहीं है, देख जीटी रोड होते जट दी हवेली है, तो बहुत लंबा सफर रहा भाई, मेरे को पुरानी चीजों से लगाव था जी, देखो मैंने मकान बना लिया, चलो पशुओं वाला तो एक अपने तरीके से बनाया, लेकिन मकान भी मेरे को सोच थी शुरू में भाई इस तरीके का बनाए, लेकिन जो ये ईंटों वाला सिस्टम था ये मेरे को बाद में पता लग गया या बाद में मिली, तो मकान जब लगभग बढ़ चुका था बिल्कुल, तो सही है भी पुरानी संस्कृति में आप अपने बच्चों को भी बता सका भाई अपने पुराने हथियार है, जो भाई हाड़ डांडे लगा जो भाई भूगी है, सोच ये रहे कि भाई पुरानी संस्कृति से आप अपने बच्चों को भी बता सकते भाई ये चीजें होया करती, आज तो सारा वैज्ञानिक युग आ गया लगा लो भाई, अच्छे मशीनरी युग लगा लो, तो वो पहले वाली चीजें ना, तो अगर आपके घर पे बच्चा उसको भी नहीं पता होगा भाई ये चीजें क्यों है जी, आप कोशिश करा भाई अपने बच्चों को ये चीजें बताओ जी। तो
33 के बाद का सफर जो रहा, भाई ने अच्छे खासे रुपए में सेल की, 51 लाख रुपए जब सरस्वती भैंस बिकी तो मान के चलिए महंगी भैंसें बिकने का ट्रेंड आया और जो है बहुत सारी भैंसें आज भी सेल परचेज के काम में उतर गए। सुखबीर भाई, सेल परचेज का काम भी अच्छा चला रहे हो? नहीं, सेल परचेज का तो मंजीत ऐसे है, देखो सब भाई यही डिमांड रहो, आप किसी भाई को अच्छी चीज उपलब्ध करवा सका जी, अपनी सोच ये रहे, देखो चलो पैसे कमाए सभी कमाओ भाई, बिल्कुल संतुष्टि हो रही है अभी इस मौके पे जी, लेकिन भाई खर्चे निकालने के लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा अपने को जी, और वो साथ के साथ अपने यहाँ पशु आवर साथ के साथ सेल हो जाए। ये गिंदी भाई वाली, ये गिंदी वाली भाई, इसने कितना दूध निकाला भाई? मंजीत वैसे मेरे घर पे गई है 26600 कुछ लग, इसने लाइव करवाया होगा 24 किलो, लेकिन इसकी उम्मीदें मेरी 30 किलो की थी, वो भाई अब की बार थोड़ी हो जाए पशु का, कोशिश करेंगे भाई अगली बार ये 30+ दिखाए जी, परमात्मा जी। तो सुखबीर भाई अपना सेट कितने बाई कितने का होगा वैसे? 25 का मंजीत भाई। अच्छा, 50 फुट लंबा हो गया, 25 फुट चौड़ा है। कितने पशु आ जाते हैं? पशु तो इसमें 10 पशु बड़ी भैंसे आ जाए भाई, ऊँ तो 10 में बड़े तो इस साइड में भी बच्चों के लिए साइड में भी लगे हुए हैं, पशु तो चाहे 15 भैंसे 15 बच्चे भी आ सकते हैं जी जी। हाँ, थोड़ा बार तालाब वगैरह की व्यवस्था दिखा दीजिए। ये देखिए साइड उधर 50 फुट लंबा है, इसमें काफी सारे पशु आ जाते हैं। बाहर आप पीछे से अगर सीन ले थोड़ा सा तो ये देख सकते हैं भाई की जो मकान की लोकेशन है, बाहर से देखते हैं तो भी जबरदस्त लगती है क्योंकि पूरा सेटअप है वो इन्होंने अपने दिमाग से तैयार करके बनवाया है। और इधर जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है मेरे हिसाब से, जो आदमियों के लिए स्विमिंग पूल बहुत बड़े होंगे लेकिन भैंसों के लिए अपना पर्सनल जो है ये स्विमिंग पूल तैयार किया है, आज तो खाली कर रखा है जी जी। हाँ, तो कितने पशु आ जाते हैं इसमें, कितने भाई कितने का है? भाई 20 का है, 10 पशु आराम से बैठे रहे। अच्छा, हाँ ये देखिए उसका बांधा नहीं, 4, 3, 7, 3, 10 से भी ज्यादा आ जाए भाई। ये लोकेशन तो जबरदस्त है, पैर वगैरह नहीं फिसलता है, नहीं पड़ता मंजीत भाई, इसमें आराम से 4.5 फुट पानी हो जाए और पशु आराम से बैठा रहा है भाई, थोड़ा रिलैक्स महसूस हो जाता है। हाँ, ना बाहर ले जाना है, नए बिक्री के पशु भी आते हैं तो बाहर ले जाने में तो समस्या आई। तो ये देखिए एक बार आपको सामने से दिखा देते हैं, इधर जब एंट्री होती है उससे पहले ही जो पानी है पशु यहीं पे पी लेता है, अलग से पानी की जो एक छोटी सी ओदी बनाई गई है इसके अंदर साफ पानी पी के, ये नहीं कि अंदर पशु देखे गोवा वगैरह भी कर देता है तभी ये सफाई चल रही है इसकी, और यहाँ से एंट्री हो जाती है बिल्कुल ऐसे सेट कर रखे, ये उतरने की पैर फिसलने की कोई भी दिक्कत नहीं, और बिल्कुल जो खुले में फार्म है। सुखबीर भाई टोटली मान के चलिए सामने फ्रंट से लेके और यहाँ तक अगर आते हैं तो कितनी एरिया होगा? ये टोटल आधे किले की जमीन है। तो अभी फिलहाल मान के चलिए जो पशु बिक्री के अलावा आप मैट का भी काम कर रहे हो, मैट भी अवेलेबल करवा रहे हो, तो आज की वीडियो वैसे लंबी हो गई है, कोई और जानकारी स्पेशल आप देना चाहे आजकल? तो ये बात है मंजीत भाई, अच्छा पशुधन पालो, बिल्कुल अच्छे दूध वाला रखो भाई जी जी, अच्छे दूध वाले बुलों का सिलेक्शन करो भाई, जिससे आप आगे अच्छी ब्रीड तैयार कर सका जी, वो अपनी बंदे की खुद की चुवाइस है भाई, कैसा ही बुल किसी भैंस का वो किसी दूध वाले का पसंद कर लो जी, अच्छा ही रहेगा भाई ये बात। तो देखिए जी सुखबीर भाई के फार्म से वीडियो है और काफी भाई चाहते हैं कि इनके यहाँ की एक छोटी सी फीडिंग की भी वीडियो आए, आपको चारों तरफ का दृश्य दिखा दिया बिल्कुल खुले में भाई के यहाँ पे जो फार्म है, पीछे आप देख पा रहे हैं हरा चारा काटने की जो मशीन है, चाप कटर भी है और उसके साथ में फीडिंग जो अपनी फीड रखते हैं वो रूम हो गया, और इधर हो गया तूड़ी। जो तूड़ी का क्योंकि बिल्कुल नजदीक लगता हुआ है, ये अंदर का जो सामने से फ्रंट लोकेशन है वो आप इधर देख पा रहे हैं, अंदर पशु रहते हैं जाली वगैरह लगा के, खुले में फार्म सेट किया है। और सबसे बड़ी समस्या जो आती है किसान साथी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, अलग से थोड़ा कच्चा रखा है, कई बारी पशु जब सुबह के टाइम बाहर बांधते हैं तो चाहे 2 घंटे रह जाए थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है भाई, सर्दियों में जिस तरह पशु आराम से बैठे रहो, हाँ हाँ धूप निकले तो 12-1-2 बजे अलग आराम से बैठे जी जी, ये इधर यहीं से पशु लोड कर देते हैं। हो गया कि बाहर उतारेंगे तो पशु भागने का भी डर होगा, कई बार डर जाए पशु तो इसमें उतरेगा तो अपना अंदर के अंदर जी जी, कोई मतलब ये है जो भी काम है वो एंट्री होने के अंदर अंदर ही है, बाहर का तो कोई नहीं आ रहा, चारा भी पीछे ही बिल्कुल ये हो गया नहीं, जिस तरह घर वाले हमें अकेला जे बाहर भी बिक गया तो घर वाले आराम से उतार भी ले भाई, पशु चढ़वाना हो गाड़ी वाला अपने आप चढ़ा भी ले तो उसमें दिक्कत नहीं रहती, पानी का अंदर हो गया, गोबर का अपना अंदर ही हो गया सारा जी जी।
तो काम तो अभी और भी बाकी है, चले जाएगा थोड़ा बहुत। कितने टाइम से काम चल रहा है मकान का भाई जी? 1.5 साल पहले लग गए भाई, ईब 5-4 दिन ईब करवाया था, ईब छोटा मोटा थोड़ा बहुत रह रहे हैं, करने लग रहे हैं। तो ये आपको सुखबीर भाई से मिलवाया जी, कैसी लगी आपको ये वीडियो? वीडियो तो मेरे हिसाब से अगर 12 के 12 घंटे लाइव चले ना तब भी पूरी बातें नहीं हो, क्योंकि बहुत मेहनत भाई ने की है। तो सभी भाई जुड़े जी, सभी का धन्यवाद। कैसा लगा आज का वीडियो? पशुपालन की इस फील्ड में आप भाई हमारे साथ जुड़े रहे और हमने आपको समय समय पे जानकारियाँ दी, लेकिन आज स्पेशल एक मैं कहूँगा सक्सेस मैन हम कहेंगे मुर्रा का, उनसे आपको मिलवाया। सभी भाई जुड़े, सभी का धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।